नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर और आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे मिसकैरेज यानी कि स्वतः गर्भपात क्या होता है और हम इसे किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। मिसकैरेज या गर्भपात किसी भी महिला के जीवन में एक बहुत ही ट्रॉमेटिक, बहुत ही पीड़ादायक अनुभव होता है। जब ये स्थिति बन जाती है तो स्वाभाविक है कि दिमाग में यही प्रश्न आता है कि क्या किसी तरह से गर्भपात को टाला जा सकता था, क्या कोई तरीका है जिससे सारे मिसकैरेजेस को हम प्रिवेंट कर सकें। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हम मिसकैरेज को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। मिसकैरेज के मुख्यतः तीन कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है भ्रूण के अंदर कोई खराबी होना। दूसरा कारण होता है बच्चेदानी यानी यूट्रस के अंदर किसी तरह की झिल्ली या किसी तरह की बनावटी खराबी होना। तीसरा कारण होता है महिला के खून के अंदर किसी तरह की एंटीबॉडीज या किसी तरह का गाढ़ापन होना। इसे हम सीड, सॉइल और एनवायरनमेंट इस तरह से समझ सकते हैं। सीड का अर्थ यानी कि भ्रूण, सॉइल का अर्थ है यूट्रस यानी बच्चेदानी, और एनवायरनमेंट यानी कि जो भ्रूण के आसपास माँ का रक्त प्रवाह होता है वो। 80% केसेस में मिसकैरेज में जो समस्या है वो कहीं ना कहीं एम्ब्रियो के अंदर का डिफेक्ट होता है। एम्ब्रियो माँ के शरीर के अंदर शुक्राणु और अंडा इनके मिलने से बनता है। जब 23 क्रोमोजोम माँ की तरफ से और 23 क्रोमोजोम पिता की तरफ से मिलते हैं तो 46 क्रोमोजोम्स वाला एक भ्रूण तैयार होता है। कभी कभी जब ये क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं तो इनके कुछ सिरे टूट जाते हैं और माता पिता के क्रोमोसोम्स नॉर्मल होने के बाद भी मियोसिस की प्रोसेस में होने वाले डिस्टर्बेंसेस के कारण जो भ्रूण बनता है उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई जेनेटिक या क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी आ जाती है। यानी कि शरीर में जितने भी भ्रूण बनते हैं वो सब नॉर्मल नहीं होते। कुछ एम्ब्रियोज में कुछ जेनेटिक और सीरियस क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज होती हैं। ये अबनॉर्मैलिटीज जीवन के साथ कभी कभी कंपैटिबल नहीं होती, यानी कि यदि ये बहुत सीरियस है तो इस तरह का भ्रूण आगे सर्वाइव नहीं कर सकता। कभी कभी अगर ऐसी प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाती है तो होने वाले बच्चे में बहुत सीरियस शारीरिक और मानसिक एबनॉर्मैलिटीज भी आ सकती हैं। जाहिर सी बात है, जब कोई तरह का एबनॉर्मल एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है तो प्रकृति या नेचर ही उसकी ग्रोथ स्टॉप कर देता है और क्लिनिकली मिसकैरेज की स्थिति बन जाती है। जाहिर सी बात है कि जब ये मिसकैरेज भ्रूण की अबनॉर्मैलिटी के कारण हो तो इसे हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। यानी कि यदि 100 महिलाओं को गर्भाधान होता है तो 15-20% केसेस में एबनॉर्मल एम्ब्रियो के कारण हमेशा ही गर्भपात की स्थिति बन जाएगी। किसी भी तरह की सपोर्टिव दवाइयाँ, प्रोजेस्ट्रॉन या इंजेक्शंस या फिर बेड रेस्ट या और कोई प्रिकॉशन से हम इन मिसकैरेजेस को प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो क्या ऐसे कोई कारण है जिनके कारण होने वाले मिसकैरेजेस का हम बचाव कर सकते हैं? जी हाँ, यदि बचे हुए दो कारण यानी बच्चेदानी की खराबी या फिर खून की खराबी के कारण मिसकैरेज हो रहा है तो उससे बचाव किया जा सकता है, ये प्रिवेंटेबल हो सकता है। आइए जानते हैं कि बच्चेदानी के किस तरह की समस्याओं से गर्भपात की स्थिति बन सकती है। एक स्थिति होती है सेप्टम यानी कि बच्चेदानी के अंदर झिल्ली। बच्चेदानी के अंदर जब झिल्ली होती है तो जो भ्रूण है वो 6-8 हफ्ते के बीच में गर्भपात उसका हो जाता है। इस स्थिति को बहुत आसानी से हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा दूरबीन से ठीक किया जा सकता है बिना किसी चीरे या टाके के। सेप्टम रिमूव करने के बाद लगभग 80-90% केसेस में प्रेगनेंसी सुचारू रूप से आगे बढ़ जाती है और कोई समस्या नहीं आती है। कभी कभी बच्चेदानी का मुंह ढीला होता है जिसे कि सर्वाइकल इनसफिशियंसी कहते हैं। ऐसे केसेस में बच्चेदानी के मुंह पे एक टाका लगाया जाता है जिससे प्रेगनेंसी बराबर आगे बढ़ सकती है। कभी कभी बच्चेदानी के अंदर कोई फाइब्रॉइड या फिर एडहेजन्स की समस्या होती है, इसका भी इलाज हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा किया जा सकता है और इस कारण से होने वाले गर्भपात से हम बच सकते हैं। तीसरा जो कारण है वो थोड़ा सा कम ज्ञात होता है आमतौर पर लोगों को, और वो होता है शरीर के अंदर एंटीबॉडीज होना। इन एंटीबॉडीज को एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज कहा जाता है। एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज 3 या 4 तरह की होती हैं और हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनके अंदर एक फॉस्फोलिपिड कोटिंग होती है जिससे ब्लड का प्रवाह बराबर चलता रहता है। जब कभी एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज बनती हैं तो ये ब्लड वेसल्स के अंदर जगह जगह क्लॉट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इन क्लॉट्स के बनने के कारण जो डेवलपिंग भ्रूण है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, उसको रक्त का प्रवाह कम मिलता है और ऐसे केसेस में कई बार गर्भपात हो जाता है। कभी कभी जो फीटस है उसकी डेवलपमेंट स्लो हो जाती है और कभी कभी माँ का ब्लड प्रेशर बहुत अधिक बढ़ने की स्थिति भी सामने आती है। परंतु इसका इलाज बहुत आसानी से संभव है। जिन महिलाओं को एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज पॉजिटिव हैं उन्हें ब्लड थिनर और इकोस्प्रिन की गोलियां दी जाती हैं और ऐसे केसेस में आमतौर पर प्रेगनेंसी ठीक से कंटिन्यू हो जाती है। कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी हैं जो कहीं ना कहीं गर्भपात के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्मोकिंग, चाहे एक्टिव हो या पैसिव,
ओबेसिटी यानी वजन का अनुपात से ज़्यादा होना, अल्कोहल का सेवन, ये सब मिसकैरेज से एसोसिएटेड है। साथ ही जो महिलाएं अधिक एज में कंसीव करती हैं यानी 37 इयर्स के बाद कंसीव करती हैं, उन केसेस में मिसकैरेज का जो प्रेवलेंस है वो लगभग 30-40% हो जाता है। तो यदि आप कंसीव करना चाहती हैं तो स्मोकिंग, एक्टिव और पैसिव दोनों से बचें, अपने वजन को अनुपात में रखें, अल्कोहल का सेवन नहीं करें और जहाँ तक संभव हो गर्भाधान यदि 35 वर्ष से पहले हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि हमारा जो शुरू में प्रश्न था कि क्या हम मिसकैरेजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, इसका आंसर है यस। यदि बच्चेदानी के अंदर समस्या है या ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज हैं तो हम इन कारण से होने वाले मिसकैरेजेस को ज़रूर प्रिवेंट कर सकते हैं। परंतु यदि ये मिसकैरेज डिफेक्टिव एम्ब्रियो के कारण हो गया है तब इसका मॉडर्न साइंस में कोई इलाज नहीं है, इस तरह के मिसकैरेजेस को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी। इस विषय में यदि आपके कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें डाल सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे इसी तरह की अच्छी जानकारी हम आप तक आगे भी पहुँचाते रहें। धन्यवाद।